अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे तक ताउम्र आपकी आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, आंखों में रोग ना हो, आपकी आई साइट बेहतर हो, आपको नज़रों में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, चश्मा ना लगे, तो आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगी जो कि अगर आप 5 से 10 मिनट का वक्त निकाल के हर रोज़ कर लिया करें तो आपको असंख्य लाभ मिलेंगे। जैसे कि आपकी आई साइट इम्प्रूव होगी, आंखों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आंखों पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपका पूरा का पूरा ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगा। आंखों की जो ये एक्सरसाइज हैं ये आपकी आंखों को रिलैक्स करेंगी बहुत हद तक। आंखों को जैसे ही आप आंखों पर ये सारा काम करते हैं तो इससे आपके ब्रेन का फंक्शन भी बहुत दुरुस्त होता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आंखें बाहर से कलेक्ट करती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो आंख का फंक्शन बेहतर होने से आपके ब्रेन का फंक्शन भी बहुत बेहतर होगा। अगर आपको लाइक बहुत से लोगों को तिरछा दिखता है, भेंगे होते हैं, तो तिरछा दिखने की समस्या वो दूर होगी। अगर आप किताब पढ़ते हैं, आपको किताब पढ़ते पढ़ते आंखों में बहुत दर्द होता है, आंखों में पानी आता है, या कि आप कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने जब बैठते हैं तो आपको कुछ देर के बाद आंखों में दर्द होता है। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो इस कारण से भी आंखों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है। आर्टिफिशियल लाइट चारों तरफ होती है, उसकी वजह से आंखों में बड़ी ही चुभन होती है। इस कारण से हमारी आंखों में जोर पड़ने के कारण हमारी आई साइट दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है। तो ये अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आई साइट इम्प्रूव होगी। चश्मे जो है लगते हैं लोगों को, नज़र के पास या दूर के दोनों में ही आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, और बहुत से लोगों के तो हो सकता है चश्मे भी उतर जाएं अगर आप निरंतर अभ्यास करें। बुढ़ापे तक आपको आँख से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली है और आपकी आँखें बड़ी खूबसूरत होंगी, आपकी आँखों की जो रोशनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, हर एक बारीकी, हर एक जानकारी, हर एक अभ्यास जो मैं आपको बताऊं उसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और अभ्यास रोज़ कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा, और घंटी का निशान दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहला काम, बड़े आराम से कंफर्टेबल होके एक जगह पे बैठ जाएं। चाहे आप ऐसे फ्लोर पर बैठ सकते हैं या कि फिर कुर्सी पर, सोफे पर या बेड पर भी बैठकर, कहीं भी बैठकर इसका अभ्यास किया जा सकता है। इनफैक्ट किसी भी वक्त इसका अभ्यास किया जा सकता है, ये सारे अभ्यास का। तो हम क्या करेंगे, आराम से बैठ गए, अब अपने दोनों हाथ की हथेलियों को, पाम्स को ऐसे जोड़ेंगे और इनको रब करना शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ ऐसे। तो इस तरीके से छोटी कटोरियां बनाइएगा हाथ की और इनसे अपनी आँखों को ऐसे कवर कर लीजिएगा, ढक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसे ज़ोर से दबाना नहीं है, बस ऐसे कवर करके रखना है, इस तरीके से हल्का सा कवर करके रखें ताकि आँखों पर इस गर्माहट को आप ट्रांसफ़र कर सकें, और फिर उसके बाद हाथों को हटा दें जब हाथों के बीच की गर्माहट कम होने लगे। आँखों को ऐसे बंद कर लें और फिर झपकते हुए, पलक झपकते हुए आँखों को वाइडली ओपन करें, ऐसे पूरा वाइडली ओपन करें जिससे आँखों की सारी नस नाड़ियाँ खिंच जाएं, और फिर आँखों को धीरे से बंद कर लें, हल्का ज़ोर से बंद करें जिससे आँखों पर दबाव आए। फिर उसके बाद आँखों को फिर से खोलें ब्लिंक करते हुए, झपकते हुए, ताकि आँखों की सारी मांसपेशियाँ खिंच जाएं, और फिर आँखों को धीरे से बंद कर लें, फिर से ब्लिंक करके आँखों को खोलें, ब्लिंक करें, ब्लिंक करें, ब्लिंक करें, आँखों की मांसपेशियों को खोलें, खींचें, और फिर आँखों को बंद कर लें। अब हम अपनी नज़रों को, दृष्टि को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, अप एंड डाउन। इसके लिए हम अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर का सहारा लेंगे। ध्यान रखेंगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस आप अपने गर्दन को फ्रीज करके रखेंगे, बॉडी को फ्रीज करके रखेंगे, सिर्फ अपनी नज़रों को ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो इस तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप पर, अंगूठे के बगल वाली उंगली पर। दूसरे हाथ को ऐसे चिन मुद्रा लगा के रख लें, और फिर उसके बाद सांस लेते हुए आँख
ऊपर की तरफ जाए और सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ, ऐसा सांस लेते हुए ऐसे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ सांस लें। पूरा अभ्यास देखेंगे आप, सांसों को सिंक्रोनाइज करके बताऊंगी। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, जब आप योग का अभ्यास करें तो आपकी सांसें जो हैं वो आपके शरीर के मूवमेंट के साथ, बॉडी के मूवमेंट के साथ आपकी ब्रीदिंग जो है वो सिंक्रोनाइज हो, ऐसा। तो इस अभ्यास को आपको कम से कम 8 से 10 बार कर लेना, इनफैक्ट हर एक अभ्यास को जो मैं आज बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से करते हैं, जिसमें आप मुझे, मैं आपको देख सकूं, ताकि अगर अभ्यास के दौरान आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसी वक्त आपको सुधारा जा सके और आप कोई गलत अभ्यास ना करें। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में 1 घंटे की क्लास होती है और इस 1 घंटे की क्लास में हर दिन आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। एक बात बताऊं, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं ना, मेरी क्लास में जुड़ के मेरे साथ अभ्यास करते हैं, उनको असंख्य स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। जैसे उनमें से किसी को थायराइड था, डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, फर्टिलिटी का इशू, रात में नींद नहीं आती, अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है, या तो डिप्रेस रहते हैं या एंग्शियस रहते हैं, इन सारी समस्याओं में इन योग की कक्षाओं को ज्वाइन करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स को बहुत स्वास्थ्य लाभ मिले हैं और उनको अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरने का भी मौका मिला है। अगर आप किसी कारण से ये जूम क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे नहीं ज्वाइन करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स डेवलप किए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इन जो कोर्सेज हैं इनमें आपको 1 घंटे की वीडियोज़ मिला करेंगी। इन 1 घंटे की वीडियोज़ को प्ले करके आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के कभी भी किसी भी वक्त इन वीडियोज़ को प्ले करके योग का अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्स और क्लास जो है कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और इन क्लासेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास के बारे में और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो अभी तो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद जब आप ये अभ्यास कर लें तो फिर अपने दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से ऐसे राइट एंड लेफ्ट साइड थोड़ा सा वाइडली ओपन करके रखिएगा, बहुत इस तरीके से नहीं क्योंकि ऐसे आंखों को देखना बड़ी दिक्कत होगी, तो हल्का सा अंदर की तरफ हो, ऐसे कंधे के लेवल तक। लुक राइट, लुक एट द टिप ऑफ योर नोज, लुक लेफ्ट, लुक टिप ऑफ योर नोज, लुक राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल टिप ऑफ योर नोज, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल टिप ऑफ योर नोज, इनहेल राइट, एक्सेल टिप ऑफ योर नोज, लेफ्ट टिप ऑफ योर नोज। अगर आपके हाथ में दर्द हो जाए तो हाथ को ऐसे घुटने पर रखें और फिर उसके बाद लुक राइट, टिप ऑफ योर नोज, एक्सेल, सांस लें लेफ्ट, सांस छोड़ें टिप ऑफ योर नोज, लुक राइट, टिप ऑफ योर नोज, लुक लेफ्ट, टिप ऑफ योर नोज, लुक राइट, टिप ऑफ योर नोज, लुक लेफ्ट, टिप ऑफ योर नोज। और इस अभ्यास को करने के बाद फिर हम पामिंग करेंगे, हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे ऐसे धीरे 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 धीरे, और फिर से आंखों को कवर करके आंखों को आराम देंगे ऐसा, और हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो जितने भी अभ्यास हम करेंगे उनके बाद हम पामिंग ज़रूर करेंगे जिससे कि आंखों को रिलैक्सेशन मिल जाए। अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। अब क्या करें कि अपने राइट हाथ को इस तरीके से इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखा और लेफ्ट हाथ को सामने की तरफ रखा, इंडेक्स फिंगर को ऐसे। तो पहले सामने देखें, सांस छोड़ें, सांस लें, लुक राइट, सामने, राइट, सामने, सांस छोड़ें, सामने देखें, सांस ले लें, राइट, ऐसे इसको और हल्का सा वाइडली इस तरीके से राइट की तरफ रखें ताकि नज़रों को और आप मूव कर सकें ऐसे। सामने देखें, सांस छोड़ें, सांस लें, राइट, सांस छोड़ें, सामने देखें, सांस ले लें, राइट, इनहेल राइट,
एक्सहेल लुक एट फ्रंट राइट फ्रंट राइट फ्रंट राइट फ्रंट। जब 5 to 7 ये अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को इस तरीके से आप अपने लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखें और राइट हाथ को ऐसे खींच के रखें और फिर उसके बाद सामने देखें और लेफ्ट देखें, सामने देखें लेफ्ट देखें, सामने देखें लेफ्ट देखें, लुक फ्रंट लेफ्ट, इन्हेल लेफ्ट एक्सहेल फ्रंट, इन्हेल लेफ्ट एक्सहेल फ्रंट, इन्हेल लेफ्ट एक्सहेल फ्रंट एंड ड्रॉप योर हैंड डाउन। अगेन पामिंग करेंगे, रब योर पाम्स विद ईच अदर, मेक स्मॉल कप ऑफ योर पाम्स, कवर योर आईज विद योर पाम्स, डू नॉट प्रेस योर पाम्स टू द आईज, ओनली कवर योर आईज विद योर पाम्स। अब हाथों को घुटने के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दें। अब अगला अभ्यास करेंगे दूर और पास देखने का। तो अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से ऐसे बॉडी से दूर रखें, फिक्स योर गेज एट द टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड ब्रिंग योर इंडेक्स फिंगर क्लोज टू द बॉडी एज सून एज इट टचेज योर नोज। ऐसे सामने देखें और फिर दूर देखें, ऐसा सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। इनहेल इंडेक्स फिंगर गोज अवे फ्रॉम द बॉडी, एक्सहेल इंडेक्स फिंगर क्लोज टू द बॉडी टचेस द टिप ऑफ योर नोज, इनहेल एंड एक्सहेल ऐसा एंड देन अगेन पामिंग। पामिंग आप जितना करेंगे उतना आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा। फिर हाथों को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। अब हम अगले अभ्यास में अपनी नासिका के अग्र भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जिसको कहते हैं नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करना। तो अपनी इंडेक्स फिंगर पर ध्यान को केंद्रित किया और फिर उसके बाद धीरे 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 ब्रिंग योर इंडेक्स फिंगर क्लोज टू द बॉडी एंड एज सून एज जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर नाक की टिप को टच करें, स्लोली धीरे से अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें और अपने दोनों आई बॉल से नाक की टिप पर देखें। और इस अभ्यास को आप 1 मिनट तक करेंगे, ऐसा। अगर 1 मिनट तक करने में आपको दिक्कत आए तो फिर आँखों को बंद कर लीजिएगा किसी भी वक्त, लेकिन कोशिश करें कि 1 मिनट तक इस तरीके से नोज़ की टिप को आप गेज करें। अभी मेरी आँखें आधी खुली और आधी बंद है और मैं अपने नाक के अग्रभाग को देख रही हूँ। जब 1 मिनट का हो जाए वक्त तो आँखों को धीरे से बंद कर लें, लेकिन बंद आँखों से फिर भी अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके रखें, फिक्स करके रखें। इससे आपका फोकस कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा, दिमाग की कार्य क्षमता जो है वो इम्प्रूव होगी। फिर उसके बाद हथेलियों को रब करें, आँखों के ऊपर रखें और हाथों को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। अब अगला अभ्यास सिखाती हूँ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ आई बॉल्स। अपने ध्यान को इस तरीके से इंडेक्स फिंगर की टिप पर केंद्रित करें, इंडेक्स फिंगर ऊपर जाए और फिर राइट जाए, फिर डाउन जाए और फिर लेफ्ट जाए, और आपकी नज़रें जो हैं वो इंडेक्स फिंगर पर की टिप पर ही फोकस्ड हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, सांस लिया ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे गए, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और इंडेक्स फिंगर को जितना धीरे आप मूव कर सकते हैं उतना धीरे मूव करें, ऐसा। अगर आपको सांसों को सिंक्रोनाइज करने में दिक्कत आए तो फिर सांसों को नॉर्मल ब्रीदिंग से इस अभ्यास को करें। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से इंडेक्स फिंगर को ऐसे मूव करें, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, सर घूमने लगेगा। इसीलिए देखिए आप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, ऐसा बड़े धीरे धीरे, बल्कि इससे भी धीरे अगर आप अभ्यास कर सकते हैं तो इससे धीरे भी अभ्यास कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब यह अभ्यास हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे, घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में। अप किया ऊपर की तरफ ऐसे, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट
डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट. इनहेल, एज यू एक्सहेल हाथ नीचे, सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. और ये बहुत नेचुरल हो, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे. जब आपका कुछ दिनों तक अभ्यास हो जाए तो इस तरीके से उंगलियों को घुमाना या इन उंगलियों का, हाथों का सपोर्ट लेना आप अवॉइड भी कर सकते हैं और सिंपली बिना हाथों के अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं. इन सारे अभ्यासों को करने के बाद आप क्या करें, अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़ें एक दूसरे के साथ, पामिंग करें ऐसे, और पामिंग करने के बाद अपनी हथेलियों को आँखों के ऊपर रख के ऐसे हमिंग बी साउंड यानी भ्रमरी का अभ्यास करेंगे. कैसे? सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए एक बार और सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर उसके बाद आंखों को तुरंत मत खोलिएगा, हाथ को घुटने के ऊपर रखिए, आंखों को बंद रख के इस झंझनाहट को अपनी आंखों के आसपास महसूस कीजिए. तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक अभ्यास आपको सिखाएं समझाएं. आशा करती हूँ आंखों से जुड़ी हुई ये सारी की सारी जो अभ्यास है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. अब आपको 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर हर रोज़ इन अभ्यासों को कर लेना है. अगर आपको ये अभ्यास पसंद आए तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उनको भेज दीजिएगा और उनको कहिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो भी अभ्यास करना शुरू करें. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सुझाव है या आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आने वाले जो वीडियोस हैं कौन से टॉपिक पर होने चाहिए. वीडियो जब यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा. इस वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, निरंतर योग का अभ्यास करते रहें. अगली वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी. नमस्ते.